आखिर किसके पक्ष में है सत्ता की लहर? हम पहुंचे गांव-गांव और शहर-शहर, जनता ने बताई हमें अपने मन की आवाज। सबसे सठीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से। नमस्कार, मैं आशुति वोहरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करने जा रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में। जी हाँ, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनकी कुछ तमाम सीटों पर आज बिहार में मतदान जारी है। आपको बता दें कि आज लोकसभा चुनाव के 7वें चरण का मतदान जो है वो शाम तक सम्पन्न हो जाएगा। 57 सीटों पर आज मतदान की प्रक्रिया है। वही 8 केंद्र शासित प्रदेशों में ये मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही है और शाम 6 या 7 बजे तक ये मतदान की प्रक्रिया जो है वो सम्पन्न हो जाएगी। बिहार की कुछ ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर लगातार चर्चा बनी हुई है और इसी बीच कहीं ना कहीं आज तमाम दिग्गज, प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नीतीश कुमार तक और तमाम विपक्षी दिग्गज भी लगातार आज सुबह से अपना मतदान कर रहे हैं, मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी बख्तियारपुर के मतदान केंद्र में पहुंचे और 236 के मतदान केंद्र बूथ नंबर पर उन्होंने अपना मतदान डाला। जिस तरह से आप देखें पूरी भीड़ और पूरा एक तरह से जो हुजूम उनके पीछे चला है और जिस प्रकार से जिस तेजी से वो मतदान केंद्र पहुंचे, वहां पहुंचकर भी जब मीडिया कर्मियों से उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की और मीडिया कर्मियों ने जब उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी प्रकार के कोई भी बयान उस वक्त देना जायज नहीं समझा। हालांकि आपको बता दें कि कयास लगाए जा रहे हैं कि इस लोकसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार एक बार फिर से वापस RJD में वापसी कर सकते हैं। आप देखें, अगर RJD में नीतीश कुमार एक बार फिर से वापसी करते हैं, यानी लालू प्रसाद यादव के पास एक बार फिर से वापसी करते हैं, तो तेजस्वी यादव और लालू यादव का वो बयान जो है, वो बयान कहीं ना कहीं आप एक तरह से देखें तो वो बयान कहीं ना कहीं जायज साबित हो जाएगा। जी हाँ, आपको बता दें कि नीतीश कुमार जब NDA में शामिल हुए थे तब लालू प्रसाद यादव ने ये साफ तौर पर बयान दिया था, ये संकेत दिया था कि नीतीश कुमार के लिए RJD के दरवाजे हमेशा से ही खुले हैं और खुले रहेंगे। और वहीं हाल ही में तेजस्वी यादव ने भी ये बयान दिया और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि चाचा नीतीश के लिए हमेशा से ही RJD के दरवाजे खुले हैं और उनका दिल जो है वो अभी भी RJD के साथ, यानी हमारी पार्टी के साथ ही है। वो आखिर क्यों ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ गए हैं, उनका साथ छोड़ के तो वो वापस जरूर आएंगे। जिस प्रकार से तेजस्वी यादव ने ये बयान दिया था और जिस प्रकार से हाल ही में कहीं ना कहीं कयासबाजी तेज हो चुकी है कि नीतीश कुमार अब एक बार फिर से राजद में, RJD में, इंडिया अलायंस में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अगर वो शामिल होंगे तो लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अपनी पार्टी में और अपने गठबंधन में नीतीश कुमार को वो जगह नहीं दे रहे हैं, वो औका नहीं दे रहे हैं। ना ही आप देखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने की राह पर है, लेकिन ना तो उन्हें इंडिया अलायंस में PM बनने की वो जगह मिली और ना ही वो जगह उन्हें BJP या NDA इस वक्त दे रहा है। तो कहीं ना कहीं कयास तेज है इस बात के कि नीतीश कुमार नाराज है प्रधानमंत्री मोदी से, क्योंकि उन्हें कोई बड़ा औहदा उन्हें अभी तक नहीं मिल सका है। फिलहाल अब देखना यह है कि आने वाले समय में नीतीश कुमार का आखिर क्या रुख रहता है और आज के मतदान के बाद आखिर बिहार का समीकरण किस ओर मुड़ता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।